हेलो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को प्रश्नावली 3.5 का चौथा नंबर का चौथा और पांचवा नंबर सवाल बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चौथा नंबर कह रहा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा बी दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे, माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों स्थान a व b के बीच की दूरी बराबर 100 किलोमीटर। प्रथम शर्त क्या कह रहा है? यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो भिन्न चाल तो हमने एक स्वयं मान लिया अलग अलग, अब एक ही दिशा में चलती हैं तो लिखेंगे एक ही दिशा में चलने पर दोनों कारों की चाल बराबर दोनों कारों की कुल चाल, जब एक ही दिशा में चलेंगी तो ध्यान दीजिएगा, जब एक ही दिशा में चलेंगी तो दोनों चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय क्या है इसमें? समय बराबर है 5 घंटे। तो लिखेंगे सूत्र, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल क्या है? x माइनस वाई। दूरी क्या है? 100। समय क्या है? 5। 5 से 100 काटेंगे, 5 एक 5, 5 दूने 10, 0। तो x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 1 हो गया। द्वितीय शर्त अनुसार द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो लिखेंगे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चलने पर दोनों कारों की कुल चाल बराबर, विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों कारों की जो है चालें जो होती हैं जुड़ जाती हैं। तो जोड़ेंगे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। समय क्या है? कितने समय पश्चात मिलती हैं? 1 घंटे पश्चात। तो 1 घंटा हो गया। सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल क्या है? x प्लस वाई, दूरी वही 100 काम करेगी, 100 किलोमीटर, और समय 1 घंटा। तो 1 का भाग 100 में दोगे तो क्या आएगा? 100 ही आएगा। तो x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण 2। दोनों समीकरणों को बनाने के पश्चात इनको हल करेंगे, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें, चाहे विलोपन विधि से, चाहे वज्रगुणन विधि से। तो इसमें जो है हम विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि दोनों चर पदों के गुणांक समान है, इस वजह से सीधे हम इस समीकरण को जोड़ देंगे तो वाई वाई कट जाएंगे प्लस माइनस के हैं,
एक्स का मान निकल आएगा, एक्स का मान समीकरण एक में रख देंगे तो हल हो जाएगा, वाई का मान निकल आएगा। नोट कर लीजिए, मिटालना पड़ेगा सर, जब नोट करने का नंबर आए तो वीडियो को रोक लिया कीजिए, फिर नोट कर लिया कीजिए। तो इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे, वाई वाई कट जाएगा, एक्स का मान निकल आएगा, या हम दोनों समीकरणों को घटा भी सकते हैं, घटाएंगे तो एक्स एक्स कटेंगे, तो जो भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। तो हम इसमें जो है समीकरण एक व दो को जोड़ने पर जोड़ देते हैं, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, तो समीकरण एक एक्स प्लस वाई बराबर 100, समीकरण दो एक्स माइनस वाई बराबर 20, वाई वाई प्लस माइनस के हैं कट जाएंगे, एक्स एक्स जुड़ के 2x हो गया, 100 में 20 जुड़ेगा 120, दो बटन चला जाएगा तो 120 बटा 2 हो जाएगा, फिर 2 से 120 काट दीजिए, 2 का नम 2, 2 छंग 12 और एक जीरो लगा दीजिए, जो जीरो बचा है 60 आ गया, तो x बराबर 60। अब x का मान चाहे समीकरण एक में रखिए चाहे दो में रखिए, तो समीकरण एक में x का मान रखने पर रखिए x का मान, तो 60 माइनस वाई बराबर 20, 60 को भेज दीजिए उधर तो y माइनस वाई हो जाएगा इधर, और 20 माइनस 60 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर दोनों घटेंगे, प्लस माइनस का अंतर आ रहा है, तो 60 से 20 घटाइए कितना आएगा, 60 से 20 घटाएंगे 40 आएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 60 है माइनस का, दोनों तरफ माइनस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 40। तो लिखेंगे अतः पहली कार की चाल बराबर क्या माने थे, x माने थे, तो x मान कितना है 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कार की चाल बराबर, दूसरी कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि वाई मान है थे, वाई मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा आया है आंसर। नोट कर लीजिए, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि यदि दोनों कार हैं एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनकी जो चाल होंगी घटेंगी, और जो विपरीत दिशा में चल रही हैं तो चालें घटेंगी। जैसे कि एक पहली कार है एक दूसरी कार है, एक ही दिशा में चल रही हैं तो चाल क्या होगी घटेगी, और यदि विपरीत दिशा में चल रही है, कैसे चल रही है एक ऐसे चल रही है, तो इस कंडीशन में चाल क्या होगी जुड़ेगी। ठीक, कोई दिक्कत समझ आ गया, नोट कर लीजिए। अब चौथा का पांचवा नंबर देख लीजिए, चौथा का पांचवा कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ याद कीजिए, आयत की विमाएँ मतलब लंबाई चौड़ाई हमको बताना है। तो मानेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर है इकाई, चौड़ाई बराबर वाई इकाई, तो सूत्र लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है x,
चौड़ाई की लंबाई वर्ग इकाई, क्योंकि इकाई का ही गुणा होगा वर्ग इकाई। देखेंगे प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो लिखेंगे लंबाई में 5 इकाई कम करने पर नई लंबाई कितनी आ जाएगी, नई लंबाई बराबर x माइनस 5 इकाई, 5 कम कर दिए घटा दिए। अब लिखेंगे चौड़ाई में, चौड़ाई में क्या करना है, 3 इकाई बढ़ा देना है। तो 3 इकाई बढ़ा देने पर तो नई चौड़ाई क्या आ जाएगी, नई चौड़ाई वाई माने हैं तो 3 इकाई बढ़ा दीजिए तो 3 बढ़ जाएगा, जोड़ दीजिए तो वाई प्लस 3 इकाई हो जाएगा। लिखेंगे नए आयत का क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र बताइए, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या है निकालना है, तो क्या लिखेंगे, नए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई क्या है x माइनस 5 और चौड़ाई क्या है y प्लस 3। वर्ग इकाई क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो एक्स वाई है इसमें 9 कम हो जाता है और नए वाले आयत का क्षेत्रफल ये, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो ये जो क्षेत्रफल है पहले वाले आयत का क्षेत्रफल वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, जब उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, बढ़ोतरी की जाए। तो इसको हल करते हैं तो एक्स वाई माइनस 9 बराबर एक्स का, एक्स माइनस 5 का वाई प्लस 3 में गुणा करा दीजिए। तो पहले पद का दोनों पदों में भी दूसरे पद का दोनों पदों में गुणा कराएंगे तो एक्स का वाई में कराएंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई एक्स का 3 में कराएंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस 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 3x, माइनस 5 का वाई में कराएंगे तो माइनस 5y, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 5 का वाई में 5y, और माइनस 5 का प्लस 3 में कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस और 5 तीन 15, दोनों तरफ एक्स वाई हैं दोनों कट जाएंगे, 15 को इधर भेज दीजिए तो माइनस का 9 प्लस का 15 आएगा 3x माइनस 5y। तो ये दोनों को घटा देंगे 3x माइनस 5y बराबर कितना आ जाएगा 6। समीकरण 1 नोट कर लीजिए, मिटाना पड़ेगा। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो लिखेंगे लंबाई में 3 इकाई की, लंबाई में 3 इकाई बढ़ाने पर नई लंबाई क्या आ जाएगी बताइए, नई लंबाई आ जाएगी x प्लस 3, 3 बढ़ा देंगे x में 3 जोड़ दीजिए, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो 2 इकाई चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर तो नई चौड़ाई क्या आ जाएगी, नई चौड़ाई आएगी y माने हैं तो y में 2 जोड़ दीजिए
नए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो नए आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई क्या आया, x प्लस 3, चौड़ाई क्या आया, y प्लस 2। वर्ग इकाई अब दोनों को बराबर करना है। जब बराबर करेंगे तो पहले वाले आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई, बाद वाले आयत का क्षेत्रफल एक्स प्लस 3 वाई प्लस 2। लेकिन बराबर अभी नहीं होंगे, इसको कुछ कंडीशन दिए है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो 67 वर्ग इकाई बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ जाता है। आगे हल करते हैं तो एक्स वाई प्लस 67 बराबर एक्स का वाई को इसमें गुणा करा दीजिए, तो एक्स वाई का गुणा एक्स वाई, एक्स का दो में कराएंगे 2x, 3 का वाई में कराएंगे 3y, और 3 का दो में कराएंगे 3 × 6 को इधर भेज दीजिए, एक्स वाई कट जाएंगे दो तरफ, प्लस प्लस के हैं, तो 67 माइनस 6 बराबर 2x प्लस 3y। तो 2x प्लस 3y कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो दोनों गुणांक देखिए अलग अलग हैं, बराबर नहीं है, तो बराबर किया जाए। x के गुणांक बराबर करना है तो इसके गुणांक का इसमें गुणा करा देंगे पूरे में, और x के गुणांक जो 2 है इसमें पूरे में करा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा कराने पर 2 का, तथा समीकरण 2 में इसका गुणांक 3 है 3 करा देंगे, 3 का गुणा कराने पर। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कराइए तो 2 × 6x, 2 × 5 = 10y, 2 × 6 = 12, समीकरण 3। समीकरण 2 में 3 का कराइए तो 3 × 6x, 3 × 3 = 9y, बराबर 3 × 3 = 18, यानी 183, समीकरण 4। समीकरण 3 से 4 को घटाने पर घटा देंगे तो 6x कट जाएंगे प्लस प्लस के हैं, तो समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर लिख लीजिए 6x - 10y = 12, 6x + 9y = 183, चिन्ह बदल देंगे घटाने को, मतलब चिन्ह बदल देंगे तो 6x प्लस माइनस के कट गए, ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस के हैं, तो 10y में 9y जोड़िए 19y, और ये दोनों घट जाएंगे प्लस माइनस के हैं, तो 3 + 2 = 1, 8 + 1 = 7, और 1 - 1 = 71, और फिर -19 उधर चला जाएगा, ये माइनस माइनस काट दीजिए तो y = 171/19 आ जाएगा, 19 बटन लीजिए, 19 × 1 = 71, 9 कट जाएगा तो y = 9। y का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो 1 छोटा रूप है, सरल रूप है, तो इसमें रखने में, इसमें रख करके हल करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, इसमें रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर उतारिए समीकरण 1, तो 3x - 5y = 6, 3x - 5 × 9 = 6, वाई का मान 9 रख दिया गया इसमें, फिर 3x 5 का 9 कराएंगे गुणा 9 = 45 = 6, तो 3x - 45 को भेज दीजिए उधर 6 की तरफ, तो प्लस में चला जाएगा, 45 और 6 जोड़िए कितना आएगा 51, तो x = 51/3, 3 से 51 काट दीजिए, 3 × 3 और 3 × 3 = 21, 17 × 51 होता है, तो x = 17 आ गया। तो लिखेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर क्या माने थे, x माने थे, x का मान 17 आ गया, 17
इकाई, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ है नहीं है, इकाई लिखेंगे। चौड़ाई बराबर वाई माइनस वाई मान कितना आ गया, नौ, नौ इकाई आंसर। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई नई वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगी और उन्हें देख करके आप लोग लाभ प्राप्त कर लेंगे। अब मेरे वीडियो को आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी मेरी वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।